हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केदारनाथ यात्रा का सुबह का जो दर्शन है वो शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट वन में आपके साथ शेयर किया था कि शाम की आरती और देहरादून से लेकर केदारनाथ तक का सफ़र हमने कैसे तय किया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए आ जाते हैं वापस इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में जो ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये हमने सुबह जो दर्शन किए हैं की पिक्चर्स हैं। सुबह हम करीबन 7 बजे अपने रूम से रेडी होकर बाहर निकल गए थे और मंदिर के दर्शन किए थे। काफ़ी लंबी लाइन हम लोगों को मिली थी, 5 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी लंबी लाइन थी, बट लाइन काफ़ी जल्दी जल्दी चल रही थी तो हमने मंदिर के दर्शन काफ़ी जल्दी कर लिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 2 और 3 -2 और 3 था। काफ़ी ठंडा है इस टाइम पर, यहाँ पर रात को भी काफ़ी ठंडा था। और वापस आते हुए स्नोफॉल भी आपको देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, क्योंकि जब हम वापस उतर रहे थे थोड़ा सा स्नोफॉल हुआ था। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो आपको जो बिल्कुल नीचे से चढ़ाई स्टार्ट करनी है वो मॉर्निंग में स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि शाम की आरती भी आप अटेंड कर पाएँ, और नाइट स्टे यहीं पर करना चाहिए जिससे सुबह मॉर्निंग के सुबह के जो दर्शन है मंदिर के वो भी आप कर पाएँ। तो देखिए अभी हम मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन है और हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद आप लेने के बाद लाइन में लगेंगे, लाइन में लगने के बाद आपको मंदिर के दर्शन होंगे। तो हम लोगों को काफ़ी देर लाइन में नहीं लगना पड़ा, पर फिर भी लगभग 1 घंटा हम लोग लाइन में लगे थे। हमें लगा था कम से कम 2-3 घंटे बाद हमको दर्शन होंगे, बट 1 घंटे के अंदर हमको दर्शन हो गए थे। तब तक मैं आपको यहाँ पर पहाड़ी का और ये मंदिर का जो व्यू है वो दिखाती हूँ। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, इसको देखने के बाद लगता है कि अगर धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो अभी आपने जो पूजा देखी वो पूजा रवि ने करवाई थी। अगर आप कोई पूजा कराना चाहें ग्रह शांति की तो वो भी यहाँ पर होती है, आप वो पूजा करा सकते हैं। अभी जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, हम लोग मंदिर के सामने बैठे हैं और यहाँ पर काफ़ी शांति महसूस हो रही थी हमको यहाँ पर बैठकर। हमने थोड़ा सा ध्यान किया था और उसके बाद हम वापस निकलेंगे। हम लोग काफ़ी लकी थे और हम लोगों को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर भी मिला था। तो यहाँ पर लंगर या भंडारा कह लीजिए वो चल रहा था, तो हम लोगों ने बैठकर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया था और हम लोगों को काफ़ी भूख भी लग रही थी। इस टाइम काफ़ी धूप हो रही थी, बट धूप होने के बाद भी बहुत ठंडा था यहाँ पर। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अब हम वापस निकलेंगे अपने रूम्स की तरफ। रूम्स में जाने के बाद हम लोग अपने बैग्स वगैरह लेंगे और वापस नीचे की जो यात्रा है वो शुरू करेंगे। केदारनाथ यात्रा का मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी नहीं, बहुत बहुत अच्छा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को कम से कम एक बार विज़िट करना चाहिए केदारनाथ यात्रा का, बहुत अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। अब एक जयकारा आप सुनेंगे पूरे ग्रुप की आवाज़ में। तो जयकारा सुनने के बाद आपको पता ही चल गया होगा सब लोगों को कितना अच्छा लगा था मंदिर के दर्शन करने के बाद। उसके बाद हम लोग खा रहे थे यहाँ पर जलेबी। जब हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे थे तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बट कैमरे में नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी, आपको इसमें स्नोफॉल दिखेगा। अंजलि भाई मैं फोन करूं।
तो देखिए इस टाइम काफ़ी अच्छा खासा स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है और जो ये व्यू है इसकी फीलिंग्स तो मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था इस टाइम पर नीचे उतरते वक्त। जो विश थी भगवान ने मेरी वो भी पूरी कर दी। मैं सोच ही रही थी कि आते हुए या फिर जाते हुए हम लोगों को स्नोफॉल मिलेगा तो कितना अच्छा होगा। कभी कभी कहते हैं ना कि जो भी आप मांगो वो पूरा हो जाता है, तो शायद मेरे साथ वही हुआ था। कुछ लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। देखिए जैसे कि श्रद्धा और मेरा भाई, ये लोग तो डांस करना स्टार्ट कर दिए थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट किया था क्योंकि अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगा तो नीचे उतरना मुश्किल हो जाता। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग शाम तक नीचे पहुंच जाएंगे और शाम को ही अपनी जो वापस जाने की जर्नी है वो स्टार्ट कर देंगे, बट हम लोगों को नीचे पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी और हम लोगों ने सोचा था कि रात में ट्रैवलिंग करना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने सोनप्रयाग में ही रात में अपने उसी होटल में एक दिन नाइट स्टे और करा था और अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग वापस निकल गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस टाइप के और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हटा रही हो ना, कैसे सर्वाइव कर रहे हो? 200-300 पर डे में कौन ये पत्थर तोड़ रहे हैं? हाँ ये रोड़ी ही तो बनती है। 200-300 ये काम रोड़ी बनती है। लग जाए तो इन लोग यार कितनी बार लग जाती है धूप में। भाई साहब रात का ठीक है, फ्राइडे नाइट हो तो इट्स इवन बेटर। ये देखिए इधर सारे पत्थर अभी हटाए, ये बीच में से ये जिस साइड में हुए ना ये सारे के सारे बीच में थे ये सारे। मतलब एक और लैंडस्लाइड हुआ रात में, मतलब ये